सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन मींस पहचान। पहचान में आएगा गा गे गी, मींस इस सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी आएगा वहां हमारा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे वह पढ़ेगा, सौम्या पढ़ेगी, वह खेलेगा, हिमांशु स्कूल जाएगा, ये सारे हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब हम इसका सबसे पहले रूल देखेंगे। सबसे पहले रूल है सिंपल में, बिना इसमें सिर्फ आई वी होगा वो अलग में आएगा, आई वी के साथ लगेगा शेल, ही शी इट यू दे के साथ लगेगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्टार्ट करते हैं, ही शी इट यू दे प्लस विल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सिंपल में ही शी इट यू दे प्लस विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं, वह पढ़ेगा, इसका बनेगा बच्चे ही विल रीड। ओके, अब मेरे स्टूडेंट्स आएंगे हर बार की तरह सेंटेंसेस बनाएंगे। सौम्या कम यार, सौम्या से स्टार्ट करते हैं। आइए सौम्या, नहीं अभी मैं नहीं लेंगे बेटा, अभी मैं आई के साथ जाएंगे उसका तो शेल वाला रूल आएगा, इसलिए अभी ही वाला लेंगे, ही वाला रूल। अभी हम भी नहीं बेटा, आई वी के साथ यहाँ आप तुम वह तुम वे इनका यूज करेंगे, वे वहां बैठेंगे बन सकता है। अभी सबकी टर्न आएगी बेटा, सबकी टर्न आएगी, सबकी टर्न आएगी। आई विल कॉल एवरी वन, दे विल बेटा मिलेगा, विल का यूज है। Very good. They will sit there. Good. बहुत बढ़िया बच्चे। Next आओ, विवेक आ जाइए, विवेक आ जाइए, विवेक आइए।
आइए अंकित, आइए रनिंग में होगा बेटा, छोटे में होता है, सेंटेंस का पहला वर्ड बड़ा होता है उसके बाद छोटा छोटा होता वर्ड, एच भी छोटा होगा बेटा, इसको छोटे में आएगा, ये भी रनिंग में आएगा। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं, ये जो एच छोटे में आएगा क्योंकि सेंटेंस का पहला वर्ड बड़ा होता है, ये पंचुएशन का रूल है, तो ये भी एक ग्रामेटिकल पोर्शन होता है पंचुएशन, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसमें उस रूल को समझेंगे। आइए आ लो, एच ओ का पास आओ बेटा, मैं अभी नहीं लगाना, मैं वाला रूल अलग है, उसमें शायद लगेगा, अभी वह तुम वे वाला रूल लगाएंगे हम लोग। बहुत ही बेहतरीन कर रहे हो बच्चा आप, ठीक है, ऐसे पूरे ग्रामर को समझना, आपने पूरे ग्रामर के पोर्शन को समझ लेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। आलोक प्रियंका आप एक सत्य बोलेंगे, इंग्लिश स्पीक द ट्रूथ, वेरी गुड आलोक। आइए ललित, और मेरे बच्चों में एक एक्साइटमेंट बहुत है, दोबारा दोबारा कहते हैं सर फिर सेंटेंस लिखेंगे और लिखेंगे, गुड थिंग, वेरी गुड। सौम्या के बाद कौन आ रहा है? अंश, अंश आ जाएंगे, गुड, अंश आ जाइए आप भी। Thank you.
मोहित पत्र लिखेगा. वेरी गुड. मोहित विल राइट ए लेटर. इसके बाद कौन आ रहा है? अंश. अंश आ जाओ बच्चे. जस्ट है बेटा. गुड. अंश के बाद कौन आ रहा है? प्रिंस. प्रिंस कम हियर. डी रनिंग में होगा बच्चे. पंक्चुएशन वाला रूल. डी रनिंग में मतलब छोटा. इसको छोटा बनाए. आलोक कभी बुलाते हैं अभी. इसके बाद अंकित की बारी है. अंकित आएगा उसके बाद शिवा. वेरी गुड प्रिंस. नाउ द अंकित भी रेडी. अंकित जी विल बी रेडी आफ्टर दिस. वेट वेट बेटा वेट. देयर इज अ सुपर एक्साइटमेंट बिटवीन द स्टूडेंट्स. एक होती है एक्साइटमेंट, एक होता है सुपर एक्साइटमेंट कि हमने करना है, हमने बोर्ड पे जाना है, हमने लिखना है. वेरी गुड बच्चा. यही चीज चाहिए मुझे. साफ साफ अच्छे से लिखना क्योंकि राइटिंग का एक्सप्रेशन सबसे बड़ी बात होती है. आपके नंबर उसी पर आते हैं. हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं. इसके लिए मैं अपने टीचर्स को भी थैंक यू कहता हूँ क्योंकि हमारी हर क्लासेस हर सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छे से कंडक्ट होती है. आई एम वेरी थैंकफुल टू माई स्टाफ ऑल्सो. यस नेक्स्ट बच्चा आओ शिवा. कौन रह गया? सार्थक रह गया. सार्थक आएगा या सार्थक कम है? आप आओगे या सार्थक कम है? बच्चा वेत आप आ चुके हैं.
नेक्स्ट में करेंगे बेटा नेगेटिव वाले में. मुझे पता है यू ऑल द पीपल्स आर सो एक्साइटेड टू कम हियर एट द फ्रंट. यू विल कम हियर, वेरी गुड. नेक्स्ट साल तक कम ऑन. हमारी ये वीडियो जितने भी स्टेट्स के लोग देखें तो मैं सबको एक बार कहूँगा कि बच्चों में बिल्कुल ऐसे ही एक्साइटमेंट्स पैदा करें. पेरेंट्स देख रहे हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे एक्साइटेड रखें पढ़ाई के बारे में, चाहे पंजाब तो देखो चाहे हरियाणा तो, हर स्टेट के बंदे साढ़े वीडियो में अप्रीशिएट करो ताकि साढ़े वीडियोज वर्ल्ड वाइड जाए लोग वेखन तो अपने बच्चे स्ट्रोंग करें. तो हर स्टेट में मेरा वीडियो जाना चाहिए, पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर. मैं तो कहता हूँ लेह लद्दाख से कन्याकुमारी तक हमारे बच्चों के वीडियोस देखे जाए, राजस्थान से लेकर भारत के लास्ट कोने तक इन वीडियोस को अप्रिशिएट किया जाए और बच्चा सीखे. शाबाश बेटा. नेक्स्ट आओ बच्चा, आ गुड़िया जा. आपका नाम युक्ति, युक्ति आई है हमारे पास. आओ बेटा अभी बुलाती हैं. अभी नहीं वाला, नेगेटिव वाले बेटा नेक्स्ट में करेंगे, अभी इसी में करेंगे. क्या ये काम करेंगे? ओके, अभी नहीं हटा देते हैं, है ना? तो काम करेंगे वाला बनाते हैं, सेंटेंस को बनाओ. अभी क्या वाला भी नहीं है बाबू, क्या वाला भी क्वेश्चन मार्क का है. वे काम करेंगे तो होगा दे विल वर्क. इसके बाद कौन आ रहा है? हाँ जी, हेलो कहाँ पाई है? ये एल आर मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं मेरे पास, जो कि दिल्ली में स्कूल है तुकमीरपुर में. और जब मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया बच्चे धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हुए और आज इनमें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल है. और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बच्चे की स्पोकन पावर अलोंग विद डैट
दे आर द कॉन्फिडेंट टू रीड आउट द लेसन्स, चैप्टर्स को बहुत आसानी से समझते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं और अपने आप चैप्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं थियोरेटिकल्स में. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू अटेंड मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल कि इनके बच्चे इतने अच्छे हैं और दे आर ऑलवेज विद एक्साइटेड बैक सुपर एक्साइटेड दे आर तो सुपर एक्साइटेड हमेशा एक्साइटेड रहते हैं कुछ नया चीज को सीखने के लिए. तो अभी हमारा नेक्स्ट आ रहा है इसमें इलाही टिंकर. डे वी के साथ हो जाएगा बच्चे नॉट प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे. मार्केट नहीं जाएंगे. दे विल नॉट गो टू द मार्केट. रूल देख लेते बच्चे. रूल है नेगेटिव का he, she, it, you, they plus will not plus verb की first form plus object plus full stop. Full stop क्या है? ये भी एक punctuation का rule है. जब sentence खत्म हो जाता है तो last में full stop लगाते हैं. मैंने यहाँ sentence बनाया वे market नहीं जाएंगे. They will not go to the market. सौम्य से स्टार्ट करते हैं. यस बेटा सबको बुलाओ. आई विल कॉल एवरी स्टूडेंट. अभी बुला रहे बच्चे. मैं टर्न लगा देता हूँ. इसके बाद विवेक, विवेक के बाद आलोक, आलोक के बाद हिमांशु, हिमांशु के बाद सार्थक. अभी इसके बाद सार्थक के बाद नेक्स्ट टर्न अभी देता हूँ. सभी बच्चों को बुलाऊंगा बेटा. सब आएंगे. युक्ति आपका नंबर भी आएगा. धानवी, हाँ धानवी के बगैर तो क्लास अधूरी रह जाती. धानवी भी आने वाली है. कोई बात नहीं. गोपाल गांव नहीं जाएगा. गोपाल टू द विलेज. वेरी गुड. नेक्स्ट विवेक. गुड. नेक्स्ट बेटा किसी को भी पढ़ाई में दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है. मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8368172957 और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. मेरे चैनल का नाम है संजय इंग्लिश एकेडमी डेली और आप खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव को भी सब्सक्राइब करें और बाकी पर्सन को भी सब्सक्राइब करें करवाएं ताकि सब बेनिफिट्स ले सके इस चैनल का. हिमांशु, क्या हिमांशु काम है?
यस ललित आ जाए, ललित के बाद सार्थक। बेटा खाएगा किस पहले बोलना है, ऐसे खाएगा ऐसे ओके। अभी बुलाते हैं अंश आगे, अंश आ जाएगा। But he will not eat the mango. Next, अभी धान भी आती है, इस पर धान भी आएगी, ठीक है, धान भी आती है इस पर। इसके बाद धान भी बैठेगा, धान भी को बुला रहे हैं, धानवी आ जाएंगे, धानवी को बुला देता हूँ पहले। धानवी कम यार, आप अंश के बाद लिखेंगे, धानवी लिखे अंश। He will not play the cricket. अरे सार्थक आ पा रहे हैं इसको, बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। दे विल नॉट टीच यू टूडे, ओके चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ रहे हैं शिवा, कौन सा बना रहे हैं, बोलो। काफी बड़ा सेंटेंस है, छोटा छोटा लिखना है, छोटा छोटा बेटा, पूरा सेंटेंस है ना।
इसके बाद आएंगे हम इंटरोगेटिव वाला रूप में, कौन सा रूप आएंगे, क्या वाला रूप, ओके। क्या वाला रूल आएगा इसके बाद बच्चा, इंटरोगेटिव वाला रूल, के रूल को भी समझ सके, हर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, तो ये दिखाता है कि नेक्स्ट सेंटेंस अब शुरू होगा। अब इसका नेक्स्ट रूल आते बेटा इंटरोगेटिव वाला रूल, जल्दी आईएएस की क्लासेस लॉन्च होएंगी।
क्यों बुलाते हैं बच्चे? गुड, विल यू गो टू दिल्ली? नेक्स्ट कौन आ रहा है? आलोक, आलोक का मैं टीचिंग में कम्युनिकेशंस बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशंस क्लियर होना चाहिए। बच्चा जो पूछे उसको आप क्लियर समझाएं और बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत क्लियरली आपसे बात कर सके, तभी क्लासेस बेस्ट बनती है। तो जब भी टीचर्स पढ़ाएं तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि उनका कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल अच्छा हो और अपनी बात को बहुत अच्छे से कह पाएं ताकि बच्चे तक बात पहुंचे, और बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो ही और शी कैन डिस्कस विद यू, वो आपसे डिस्कस कर सकें। अभी बुलाते हैं बाबू, सबको बुलाऊंगा, सब बच्चे आएंगे। एवरीवन हैज टू कम हियर, मैंने टर्न लगा दिया है अभी। हाँ हिमांशु, बस बुला रहा हूँ हिमांशु, मैं आपको बुला रहा हूँ। सुपर एक्साइटेड, या आई ऑलवेज यूज द वर्ड सुपर एक्साइटेड स्टूडेंट। विल दे सिंग सॉन्ग नेक्स्ट? आइए हिमांशु, हिमांशु के बाद ललित जाएंगे, हिमांशु के बाद कौन जा रहा है? ललित, ललित के बाद सार्थक, हिमांशु के बाद ललित, ललित के बाद सार्थक। बेटा अभी बुलाता हूँ युक्ति, अभी बुलाता हूँ आपको, बुलाता हूँ बच्चे, बुला रहा हूँ बेटा, बुला रहा हूँ आयुष, बुला रहा हूँ बच्चे, बुला रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क लास्ट, ऊपर वाले भी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। आइए ललित, आइए ललित, ओके।
रनिंग में लिखते हैं, रनिंग दिखाई यूनिट ए टी ओ डी ए वाई। अंकित का मैं अंकित इसके बाद हमारे बच्चे आई और वी वाला रूल लगाया जाएगा, आई वी के साथ शर लगता है वो वाला रूल करेंगे। आई वी के साथ शर अरे बुला रहे साथ तक आप आगे साथ तक नहीं आए, साथ तक नहीं आए, चलो साथ तक आएगा इसके बाद, इसके बाद साथ तक आ रहा है ओके। Will you run today? क्या आज आप दौड़ेंगे? Very good. अब बच्चे सार्थक आप आ जाओ, चलो कम है सार्थक आओ। सौम्या कम्या
आइए सौम्या। एक क्लास में सबसे अच्छी चीज़ देखी है, बच्चे बहुत एक्साइटेड है, बोर्ड पर आते हैं, लिखते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। जब बच्चे ऐसा करने लग जाए तो इसका मतलब यू विल बी सक्सेसफुल, आपकी क्लासेस में बच्चे सीख रहे हैं। तो यही चीज़ होनी चाहिए, बच्चे आए सामने, सेंटेंसेस को बनाए। बच्चों से फिर मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चे अच्छे से सीखना, कोई दिक्कत हो यू कैन गिव मी द कॉल, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम मैंने आपको पहले ही बताया है, चैनल का नाम है संजय इंग्लिश अकेडमी दिल्ली, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8368172957। कोई भी दिक्कत हो स्टडी से रिलेटेड यू कैन कॉन्टैक्ट मी। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे सब बच्चों तक वीडियोस जाएंगे, बच्चे सीख पाएंगे। तो चैनल को जरूर देखिएगा, जरूर पढ़िएगा। वेरी गुड, आई शैल गो टू सी अ फेयर। वेरी गुड, आइए विवेक। आए बेटा आपकी टर्न आ रही है, आलोक आएगा इसके बाद। आज शामी बुलाते हैं, आज बुलाते हैं हिमांशु। Very good. Next, Ayalo. हम क्रिकेट खेलेंगे, वी शैल प्ले क्रिकेट। हु इज द नेक्स्ट? ललित का मेयर, आज शाम बुला रहा हूँ ललित के बाद का कामयाब ललित, इसके बाद आंशा के। सौम्या, इसके बाद सौम्या जाए। सौम्या गो। इसके बाद आलोक जाएंगे। Thank you.
सेंटेंस के साथ जब उसको बहुत अच्छे से लिखा जाता तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाती है चीज़ों को लिखने का तरीका। जैसे सोमे ने लिखा मैं सत्य बोलूँगा, कितनी अच्छी राइटिंग है, बहुत आई शैल स्पीक द ट्रूथ, बहुत अच्छी राइटिंग सोमे। आइए लो के बाद खोल जा रहे हैं आयश, आप जाइए। इसके बाद नेगेटिव वाला रूल करेंगे आयश के बाद, ओके शैल नोट वाला रूल करेंगे। We shall win this prize. Good. Very good. Running way. Good. We shall go there. अब आते बेटा नेगेटिव वाले रूल में, ओके? नेगेटिव रूल क्या कर रहे हैं? नेगेटिव रूल में आई वी के साथ शैल नॉट लग जाएगा, प्लस वर्किंग फाइव फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। मैं इस रूल को दोबारा समझा रहा हूँ, ये रूल है नेगेटिव का रूल बनाएंगे हम इसमें। नेगेटिव आई वी प्लस शैल नॉट प्लस वर्किंग फाइव फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। हम नहीं खेलेंगे, we shall not play, हम नहीं खेलेंगे, we shall not play। शुरुआत करते हैं, चलो सौम्या से, सौम्या आइए आप। बेटा चौक उड़ रहा है, चौक कम रह गए, यस लीजिए सौम्या ये चौक। अभी बुलाते हैं आपके इसके बाद अंकित आ जाइए आप, अंकित आएंगे उसके बाद आलोक, आलोक के बाद विवेक, विवेक के बाद युक्ति, ओके बेटा अभी और आगे बच्चों को बुलाता हूँ अभी यहीं तक टर्न, इसके बाद फिर आगे बच्चों को बुला रहा हूँ बेटा। अंकित के बाद आलोक, आलोक के बाद सार्थक, नहीं सर विवेक को भी भेजते, विवेक को भी अंकित के बाद आ जाए आलोक, आलोक के बाद विवेक, ओके विवेक आई विल कॉल, ओके विवेक आ रहे, विवेक आ रहे।
Yes, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे. We shall not play with you. It's okay. सार्थक भी रेडी आ जाओ. सार्थक आप आ जाओ. वेट वेट सार्थक के बाद आओ. ठीक है आओ सर. आई शैल नॉट सिट देयर. बैठूंगा. डबल तीन की मात्रा. चलो कोई बात नहीं. आइए नेक्स्ट. इस बार विवेक भी रेडी. विवेक रेडी रहेंगे. ओके. इसके बाद हम करेंगे बेटा इंटरोगेटिव का रूल. क्वेश्चन मार्क वाला. Not we shall. बेटा साफ करके अच्छे से लिखो. इसके बाद जा रहे हैं विवेक. युक्तियां भी बुलाते हैं बेटा. इसके बाद इंटरोगेटिव वाले रूल कर लेते हैं बच्चे. युक्ति से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले. ओके इंटरोगेटिव वाले रूल स्टार्ट करते हैं. युक्ति के बाद आएगी धार्मिक इंटरोगेटिव वाले रूप में. धार्मिक के बाद आएगी सौम्य. सौम्य के बाद आएगा आलोक. गुड. अब बेटा लास्ट रूल चलते हैं हम इंटरोगेटिव वाला. ठीक है बच्चे. समझ सके रूलों को. तब ये रूल क्या कहता है. ये रूल कहता है कि शैल पहले आएगा और ये कहता है शैल आई वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में हमारा आ गया बेटा क्या मैं मार्केट जाऊंगा. शैल आई गो टू द मार्केट. लास्ट में क्वेश्चन मार्क. क्या मैं मार्केट जाऊंगा. शैल आई गो टू द मार्केट. आइए युक्ति. वीडियोस पूरा देखिएगा और लास्ट रूल्स पे हम लोग चल रहे हैं. ऐसे एक्साइटमेंट वाले एक्साइटेड वीडियोस अच्छे वीडियोस नॉलेज वाले आपको मिलते रहेंगे.
पूरा ग्रामीटिकल पोर्शन करेंगे, हम हर ग्रामर का पार्ट सिखाएंगे। बेटा मैं ना लग गया, क्या मैं पढ़ूंगा ये बना दीजिए, क्या मैं पढ़ूंगा। थोड़ा बड़ा लिखते हैं युक्ति, थोड़ा बड़ा लिखो और थोड़ा सा बड़ा लिखो, बड़ा लिखो। ठीक है मैं बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। क्या मैं बेटा शल वाला बुलाया तो शल लगेगा पहले, शल आई आई होगी ना बच्चा, आई बड़े में आएगा, ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर है के बड़े में आएगा। पढ़ूंगा कि क्या होती है वर्ब रीड, रनिंग में छोटे में आर, छोटे में आर। और लास्ट में इकानवे दानवी समय, दानवी समय आइए। इसके बाद आलोक के आ रहे ना, आलोक के बाद अंश, अंश के बाद ललित, ललित के बाद सार्थक, हाँ खेलूंगा, हाँ सही जा रहे हो। आपका के बाद आपकी मात्रा, रनिंग में, रनिंग में, रनिंग में मतलब रनिंग कहने का मतलब मेरा छोटा, छोटे में लिखना होता है, रनिंग का मतलब होता है छोटे में। वेरी गुड, लास्ट में इंटरवेट पी को थोड़ा सा और स्मार्ट सा बना देते, टच कर दो पी को अच्छे से, पी को पूरा गोल कर दो। वेरी गुड, आप ये लगा ब्यूटीफुल सा पी, आइए लो। हाँ जी, इसके बाद सौम्या, सौम्या के बाद सार्थक, सार्थक के बाद शिवा। अभी बेटा अभी बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं। पंक्चुएशंस के बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो भी हम समझेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इसका कहाँ कहाँ यूज है, ये सब कुछ सीखेंगे। आइए हिमांशु, सौम्या भी बुला रहा हूँ, सार्थक के बाद सौम्या।
और सौम्या जा रही है सौम्या everyone.